हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो एयरपोर्ट की तरफ से न्यू और अपकमिंग रिक्रूटमेंट है वेरियस पोस्ट के लिए, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर एयरलाइंस के अंदर रिक्रूटमेंट आई है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एग्जाम की पैटर्न क्या है, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी एयरलाइंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर सर्व करना चाहते हो, आपका भी ड्रीम है एयरलाइंस ज्वाइन करना, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स, एयरपोर्ट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। अब रही बात कि किस कंपनी के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट है, उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके अंडर आपको टोटल 1140 सीट्स के ऊपर वैकेंसी आउट हो चुकी है। 6 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, तो मैं पहले बता देती हूँ किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। कस्टमर सर्विस एजेंट के ऊपर आई है, सेकंड सीट है आपका एयरलाइन केबिन क्रू एंड आपका एयर होस्टेस का, मतलब एयरलाइन केबिन क्रू और एयर होस्टेस की पोस्ट रहेगी। साथ ही साथ आपका थर्ड है ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग, मतलब टिकट जो काटते हैं ना, या फिर आपको ट्रैवल के दौरान जो आपको देखने को मिल जाते हैं स्टाफ वगैरह, उसके लिए। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, एयरपोर्ट का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे जो मैनेजमेंट देखना होता है उसके लिए। रिटेल मैनेजमेंट एंड कार्गो मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है ऑनलाइन, वो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 30 नवंबर 2023 रहने वाला है। इस पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे कि आपको एज लिमिट क्या रखा गया है, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स यहाँ पर एज का लिमिट रहने वाला है। तो आइए अब हम सभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू पास आउट 10+2। अगर आपने 10+2 या फिर उससे ज़्यादा कोई डिग्री है आपके पास इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 12th के अपियरिंग कैंडिडेट है जो रिजल्ट का वेट करें वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें एविएशन या फिर एयरलाइन का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। नो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट हो और एक फ्रेशर हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। चलिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जब सिलेक्शन की बात आती है तो 3 जो आपका मेजर स्टेजेस है ना, वो आपको क्लियर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका एक पेपर होगा ऑनलाइन। सेकेंड होता है आपका इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड किया जाएगा कि आगे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इन दोनों की परफॉर्मेंस के आधार पे फिर सिंपली आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन CBT होता है उसमें क्या क्या सब एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस के पेपर होंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी आपको 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप भी एयरलाइंस के अंडर जॉब करना चाहते तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर आप एक बार ट्राई करना, एग्ज़ाम देना। तो चलो, इसका जो लेवल होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी होता है। 12th लेवल का पेपर होगा, बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें सबको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो। आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हो। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए, एविएशन नॉलेज का आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अभी आप सोच रहे हैं एविएशन नॉलेज क्या होता है, तो जो एयरपोर्ट के अंदर वर्क करेंगे उसको उड़ान संबंधित जो जानकारी होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए,
एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग को मिला के 25 questions 25 marks के लिए। सो आई होप कि ओवरऑल आप एग्जाम की पैटर्न समझ गए होंगे। अब आपको ये जानना होगा, सभी बच्चों के एक मोटिवेशन आता है कि फॉर्म अप्लाई करे, पेपर की तैयारी करे, जॉब होगा तो सैलरी क्या मिलेगी। तो आपका जो एक्सपेक्टेड सैलरी है फ्रेंड्स, स्टार्टअप आपका होता है 25,000 rupees पर मंथ से, एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस आपका इंक्रीमेंट के बाद ना 35,000 rupees पर मंथ की सैलरी होती है। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर एयरपोर्ट में अच्छी खासी नंबर की सीट पे वैकेंसी आई है। तो आप मतलब इससे ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट जॉब ना बता के ये क्यों बता रही हूँ। अभी के समय में हर चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अगर आप इसका भी पेपर क्रैक करके यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, जिससे कि आप अपनी आगे की तैयारी को ना बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। अब रही बात कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और जो अप्लाई करने का लिंक होगा ना, उसके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, प्लस मैं आपको उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।